गुरुकुल की इस कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशीष। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। प्यारे दोस्तों नमस्कार। टैली प्राइम की इस श्रृंखला में आज हम F11 के बेहतरीन फीचर्स प्राइस लेवल को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों हमारे बिजनेस में अलग अलग प्रकार के कस्टमर होते हैं और उनको हम अपने अकॉर्डिंग माल को अलग अलग मूल्य पे सेल करते हैं, तो इसी को मेंटेन करने के लिए टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ने हमें एक बेहतरीन माध्यम दिया है, प्राइस लिस्ट या प्राइस लेबल। तो आइए एक नई कंपनी बनाते हैं और सीखते हैं प्राइस लेबल को। कंपनी क्रिएट करने के लिए हम जाते हैं कंपनी फीचर्स में, क्रिएट प्राइस लिस्ट। स्टेट हमारा UP रहेगा और इसे हम इंटर को प्रेस करते हुए एक्सेप्ट करते हैं। तो जैसे ही हम कंपनी क्रिएट करते हैं हमारे पास कंपनी फीचर्स की स्क्रीन दिखाई देती है। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर प्राइस लेबल हमें दिखाई दे रहा है। प्राइस लेबल को इनेबल करने, एक्टिव करने के लिए हम प्राइस लेबल पे यस वाई को प्रेस करते हैं और इंटर को प्रेस करते हैं। और जैसे ही हम यहाँ पर स्क्रीन को यस करते हैं, GST अभी हम नो रखेंगे और यहाँ पर कंट्रोल ए करते हुए हमने प्राइस लेबल को एनेबल कर दिया। अब हम सारे बेसिक कॉन्सेप्ट यानी बेसिक लेजर्स, ग्रुप्स, आइटम, यूनिट को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में जाएं और यहाँ पे सबसे पहले हम लेजर क्रिएट करेंगे, URCHA परचेज अकाउंट अंडर परचेज, सेल अकाउंट अंडर सेल और टाइप अप। यहाँ पर ध्यान दें कॉस्ट सेंटर यहाँ पे है, तो यहाँ पे कॉस्ट सेंटर नो रखें। अगर कॉस्ट सेंटर को आप यस करते हैं तो सेल वाउचर के साथ आपको कॉस्ट सेंटर का डिटेल देना होगा, तो इसे नो रखेंगे। और यहाँ पर हम एक कस्टमर बना लेते हैं, रवि और सन्ड्री कैटर्स, सन्ड्री डेटा जिनको हम माल सेल करेंगे। और इसके बाद मनोज जिनसे हम माल परचेज करेंगे, सन्ड्री कैटर्स। तो ये बेसिक लेजर मेरे हो गए। अब हम स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करते हैं, तो स्टॉक ग्रुप के लिए हम ग्रुप में आएंगे और कंप्यूटर्स अंडर प्राइमरी यस करें और इसके बाद बाहर आएं। स्टॉक आइटम कि पहले हम यूनिट बना ले, अब हम यूनिट बनाएंगे, यूनिट पीस पीसेस स्केप करें और इसके बाद स्टॉक आइटम अपना क्रिएट कर लें, माउस अंडर कंप्यूटर्स और यहाँ पर पीस। एक आइटम और बनाएं, कीबोर्ड और अंडर कंप्यूटर्स और यहाँ पर पीस। तो ये हो गए हमारे बेसिक लेजर्स और हमारे बेसिक स्टॉक आइटम। अब हम चलते हैं प्राइस लेबल और प्राइस लिस्ट को क्रिएट करते हैं। तो प्राइस लेबल क्रिएट करने के लिए हम प्राइस लेबल में आते हैं और यहाँ पर हम अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग, बिजनेस के स्वरूप के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम अपना प्राइस लेबल क्रिएट करेंगे। तो प्राइस लेबल हमारे पास है होलसेलर और रिटेलर। आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर चाहे तो स्पेशल कस्टमर या अपने बिजनेस में जितने भी कैटेगरी चाहे तो आप बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो ही रखेंगे, होलसेलर और रिटेलर। अब हम प्राइस लिस्ट क्रिएट करेंगे। तो प्राइस लिस्ट हमारे सामने दो तरह से आते हैं, एक तो स्टॉक ग्रुप और एक स्टॉक कैटेगरी। अगर आप अपने स्टॉक को कैटेगरी बनाकर मैनेज किया है तो स्टॉक कैटेगरी आधार पर प्राइस लिस्ट सेट कर सकते हैं और चाहे तो स्टॉक ग्रुप के आधार पर भी अपने प्राइस लिस्ट बना सकते हैं। तो हम आएंगे और स्टॉक ग्रुप को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे हमें राइट साइड में ऑल आइटम और कंप्यूटर, तो जिस भी आइटम के लिए आपको प्राइस लिस्ट सेट करना है, तो यहाँ पर मैंने कंप्यूटर्स और या ऑल आइटम दोनों कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपने कंप्यूटर ले लें और यहाँ पर होलसेलर और रिटेल, तो यहाँ पे वन बाय वन दोनों के लिए देना होगा। तो सबसे पहले मैं रिटेलर का रेट दूंगा और यहाँ पर एक, तो यहाँ पे कीबोर्ड, सबसे पहले मैं कीबोर्ड को रेट सेट करूंगा। कीबोर्ड लेस देन 10, तो अगर वो 10 पीस लेते हैं तो यहाँ पे मैंने रेट सेट कर दिया 200 और डिस्काउंट कोई नहीं। 10 से 20 के पीस अगर वो लेते हैं तो मैंने यहाँ पे उनको रेट रखा 200 और यहाँ पे 10% डिस्काउंट। और 200 से अगर 20 पीस से अगर वो ज़्यादा लेते हैं या 20 पीस से हमने यहाँ पे कर दिया 50 पीस, तो उनको मैंने 150 रेट लगा दिया। और 50 से ज़्यादा वो लेते हैं तो रेट हो जाएगा 150 और डिस्काउंट 10%। तो इस तरह सेम प्रोसेस से आप यहाँ रिटेलर का रेट है कीबोर्ड के लिए, अब हम माउस का रेट सेट करेंगे। तो माउस पे अगर कोई व्यक्ति 10 पीस लेता है तो 150 और यहाँ पे मैंने डिस्काउंट यहाँ पर मैंने सेट कर दिया
तो 50 डिस्काउंट कोई नहीं। अगर 10 से ऊपर कोई लेता है, 10 से 20 पीस, तो यहाँ पे मैंने रेट सेट कर दिया है 150 और डिस्काउंट 10%। और 20 से ऊपर कोई लेता है माउस, तो रिटेल रेट में यहाँ पर रेट 140 और डिस्काउंट 10%। तो अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग रेट आप सेट कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 0 से 10 पीस के बीच लेता है तो 200, और 10 से 20 लेता है तो यहाँ पे 10% आपका डिस्काउंट होगा। और सेम प्रोसेस वैसे ही आपको रिटेलर होलसेल का भी रेट सेट करना होगा। तो होलसेल के रेट सेटने के लिए सेम वैसे ही प्रोसेस आइएगा, यहाँ पे होलसेलर लीजिएगा, और यहाँ पर हम कीबोर्ड 10, रेट 130, डिस्काउंट कोई नहीं। 10 से अगर कोई 30 पीस लेता है तो यहाँ पे 130 और डिस्काउंट 10%, और 30 से ऊपर कोई लेता है तो 120 और डिस्काउंट 5%। तो इस तरह माउस का भी रेट सेट कर लीजिए। माउस अगर कोई 10 पीस लेता है तो 120, डिस्काउंट कोई नहीं, और 10 से कोई 20 लेता है, 10 से कोई 20 लेता है तो रेट 120 और डिस्काउंट 10%। 10 से कोई 20 लेता है तो यहाँ पर डिस्काउंट 10%, और 20 से एबव लेता है तो 100 रुपये और डिस्काउंट 5%। तो इस तरह अपने अकॉर्डिंग आप रेट सेट करें और यहाँ पर देन ओके। तो इस तरह मैंने रेट सेट कर लिया है, और जब भी आपको रेट को देखना है तो आप अल्टर में आएँ और यहाँ पर प्राइस लेबल को देख सकते हैं, और स्टॉक ग्रुप में आएँ तो यहाँ पर जो भी आपको रेट देखना हो कि किस आइटम के लिए आपने क्या रेट लगाया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बाहर आएँ तो दोस्तों प्राइस लिस्ट और प्राइस लेबल बनाने के बाद हम आएंगे एक परचेज की एंट्री पोस्ट करके, एक सेल की एंट्री पोस्ट करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम परचेज की एंट्री पोस्ट करते हैं, तो वाउचर के माध्यम से हम परचेज एंट्री को पोस्ट करते हैं, और यहाँ पर F9 वाउचर्स सप्लाई नंबर 1, और यहाँ पर हम स्पेस करते हैं, और यहाँ पर हम रवि, यहाँ पर मनोज, और यहाँ पर कीबोर्ड और माउस। तो प्राइस लेबल सिर्फ सेल वाउचर में हम यूज कर सकते हैं, परचेज वाउचर में हम प्राइस लेबल सेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हम 100 पीस कीबोर्ड, और मैंने 100 रुपये के रेट से परचेज किया, इसे एक्सेप्ट कर लेंगे, और यहाँ पे परचेज माउस 100 पीस 80, तो यहाँ पर हम इसे परचेज कर लेंगे। परचेज वाउचर के लिए हम प्राइस लेबल नहीं सेट कर सकते हैं, प्राइस लेबल हम सेल वाउचर में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम सेल वाउचर में, और वहाँ एक सेल का ट्रांजेक्शन पोस्ट करके देखते हैं। तो सेल वाउचर के लिए हम F8 दबाते हैं, और यहाँ पे हम रेफरेंस नंबर 1 डाला, डेट हम आज का डाल देंगे। डेट को चेंज करने के लिए हम F2 का प्रयोग करते हैं, और आज का है 3 दिसंबर। तो दोस्तों टैली एजुकेशनल वर्जन में आप डेट 1 तारीख और 2 तारीख, और जिस महीने में 31 तारीख होता है वही चेंज कर पाएंगे। तो हम डेट को चेंज करते हैं, यहाँ पर सेल करने वाले हम रवि को। तो टैली जो मैंने प्राइस लेबल बना रखा है यहाँ राइट साइड में हमें पूछ रहा है कि रवि हमको रवि जो हैं वो उन्हें हम रिटेलर रेट लगाने वाले हैं या होलसेलर, या रवि जो हमारे हैं रिटेलर कस्टमर है या होलसेल। तो रवि हमारे हैं होलसेलर, तो यहाँ पर हम नेम ऑफ आइटम, यहाँ पर कीबोर्ड। तो जैसे हम क्वांटिटी देंगे प्राइस लेबल रवि होलसेलर और नेम ऑफ आइटम में कीबोर्ड, और यहाँ पे हमने दिया 12 पीस। अब यहाँ पे देखिए रेट जो लग रहा है 12 पीस, रेट 130 और डिस्काउंट 10%। तो जो रेट मैंने वहाँ पे सेट किया था वो रेट यहाँ पे लग रहा है। अगर यहाँ पे हम 9 पीस कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए डिस्काउंट यहाँ पे 10% नहीं आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पर 50% 50 पीस करते हैं तो यहाँ पर रेट जो है 120 हुआ और डिस्काउंट यहाँ पर और यहाँ पर। इस तरह हम जो रेट होलसेल में सेट किए हैं वो यहाँ पे लग रहा है। और इसके बाद अगर हम चाहते हैं कि किसी पार्टिकुलर लेजर के लिए, किसी पार्टिकुलर लेजर या किसी पार्टिकुलर कस्टमर के लिए हम अगर रेट सेट करना चाहें, तो उसके लिए हम उसके रिटेलर या होलसेल करना चाहें, तो हम अल्टर में आएंगे और यहाँ लेजर में आएंगे, और यहाँ पर हमारे कस्टमर हैं रवि। तो यहाँ पर देख रहे हैं परचेज
लेबल का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करें और यहाँ पर यूज प्राइ लेबल फॉर पार्टी लेयर को आप यहाँ पे यस कर लें। तो इस तरह यहाँ पे अब देखें प्राइ लेबल, तो जो रवि हमारे हैं होलसेलर, तो इस तरह हम किसी पार्टी के लिए पहले से ही उसके प्राइ लेबल को हम सेट कर सकते हैं। अब हम रिटेलर के लिए सेल करके देखते हैं। तो यहाँ पे इनवॉइस नंबर 2 डेट यहाँ पर लिया और प्रीतम लाल। तो यहाँ पर देखें कि इस बार रिटेलर जो है अपने ही यहाँ पे चूज हो गया। इसका ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने प्रीतम लाल का जब लेजर क्रिएट किया था वहीं पे हमने प्राइ लेबल में रिटेलर सेट कर दिया था। तो यहाँ पर हम कीबोर्ड इनको सेल करेंगे। क्वांटिटी यहाँ पर मैंने 10 पीस दिया, तो देख रहे हैं यहाँ पर जो रेट लग रहा है वो 200 और 10% डिस्काउंट हो रहा है। अगर हम यहाँ पर 9% करते हैं तो यहाँ पर डिस्काउंट हमारा नहीं लग रहा है। अगर यहाँ पे हम 9 करते हैं, 9 पीस करते हैं, तो डिस्काउंट यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि हमने रिटेलर में जो रेट सेट किया है वो 9 पीस पर 200 रुपये और डिस्काउंट कोई नहीं है, और 10 पीस पर यहाँ पर 10 पीस देखें तो यहाँ पर 10 रेट 200 रुपये और डिस्काउंट 10%। तो इस तरह हम जो रेट रिटेलर पे सेट करेंगे वो रेट ऑटोमेटिक यहाँ पे लग जाएगा और इस तरह हम एक्सेप्ट कर लेंगे। तो आपने देखा कि किस तरह हम टेलीप्राइम में प्राइस लिस्ट बना सकते हैं और उन लिस्ट के अनुसार हम अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग मूल्य पर माल बेच सकते हैं। तो इन उदाहरण से आपको समझ में आ गया होगा। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें। धन्यवाद।